आइए देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए अब एक गेम खेलेंगे ये बच्चे और मैं, हम मिलकर के अपने गेम खेलेंगे और इस गेम में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये गेम क्या है, ये गेम है कि आपसे मैं सवाल पूछूंगा, उसके जवाब में आपको आंसर देना है, जिसको आंसर आता हो वो हैंड रेस करेगा, आपके पास विकास आएंगे माइक लेकर के, आपको अपना आंसर माइक में बताना है, जो आप बोलोगे मैं यहाँ नोट कर लूंगा और उसके बाद देखेंगे कि आपका ब्रेन का टेस्ट आपका क्या रिजल्ट दे रहा है। तीन चरण है, पहला एक बच्चा आंसर देगा तो दूसरा बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। दूसरा ये अपने आप आ जाएंगे, हर बच्चा इसको आंसर आपका हैंड रेस कर ले और राइट आंसर करके अपनी जगह पर वापस बैठ जाए, ठीक है। सवाल क्या है, क्वेश्चन इज आपके पापा के मोबाइल नंबर के लास्ट टू डिजिट्स क्या है, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स रिवर्स। जैसे कि मेरे पापा का मोबाइल नंबर है 9672999903, लास्ट टू डिजिट 03, रिवर्स किया तो बन गया 30। अब समझ में आ गया, उल्टा बताना है, जिस इसको आता है एड्रेस करें मैं आपको लिखूंगा। ओके four three six six eight three eight three eight zero six three seven nine nine. ट्राई करूंगा कि सभी दोस्तों का जो है आंसर ले 56 four six forty six seven zero seven zero देखिए नंबर्स का मकसद क्या है, अपने बहुत सारे नंबर यहाँ पर लिख लिए, पर इन नंबर्स का मकसद क्या है, इन नंबर्स का मकसद है यूनेस्को की एक रिपोर्ट। यूनेस्को जानते हैं क्या है, यूनेस्को बच्चों की पढ़ाई पर रिसर्च करने वाली एक संस्था है, जो तो बच्चे की पढ़ाई पर रिसर्च करके इंडिया के लिए जो सर्वे आया उसने बताया कि इंडिया में पेरेंट्स और टीचर बच्चे की पढ़ाई के लिए मेहनत तो करते हैं लेकिन वो बच्चे को टाइम पढ़ाने की और टाइम के हिसाब से पढ़ाई करने की सलाह देते हैं, यानी ब्रेन में टाइम की इंपॉर्टेंस बताते हैं, जबकि ब्रेन के लिए टाइम से ज़्यादा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो घंटे से आप पढ़ाई कर रहे हैं और दो घंटे में आप पढ़ कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें दो घंटे कम है और कोई सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो घंटे ज़्यादा है, यानी केवल टाइम से नहीं चलेगा, राइट। टाइम के अलावा इंपॉर्टेंट है कि आपकी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इस पर आपको टाइप देना है। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स ग्रामर बताया, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कम टाइम में ज़्यादा टाइम में भी कम कवर कर पाएंगे आप, और इजी क्वेश्चन आंसर्स को आप कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएंगे, ये कैसे मालूम पड़े कि वो इजी है डिफिकल्ट है, इसके लिए उन्होंने दिया है कॉम्प्लेक्सिटी लेटर, यानी कि सरल से कठिन की ओर बताने वाली सूची। तो वो मैं आपको बताऊँ, सबसे आसान होता है बच्चों के लिए उन चीज़ों को याद करना जो आंखों से दिखाई देती है, जैसे कि छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में पालते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो सब नहीं पढ़ पाएगा, वो आंखों से दिखाया जाता है उसको सब कुछ। एक और एप्पल, आपके एप्पल दिखाया गया ना,
राइट है। उससे मुश्किल होता है वर्ड्स को याद करना, उससे मुश्किल होता है वर्ड्स ग्रामिंग यानी पोएम याद करना, ऐसे ही आप बड़े होते ठीक है। उससे मुश्किल होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि सेंटेंस याद करना, उससे मुश्किल होता है सेट ऑफ सेंटेंसेस यानी कि थ्योरी याद करना, और उससे भी मुश्किल होता है ग्रुप ऑफ थ्योरीज यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर याद करना, और उससे मुश्किल है सेट ऑफ चैप्टर्स पूरी किताब याद करना। कौन सी ऐसी किताब है जो आपको पूरी याद रहना चाहिए? हार्डली एक और दो, राइट। आपने बचपन से आज तक मैंने कितनी किताबें पढ़ी और याद नहीं रही ना, क्योंकि वो डिफिकल्ट है, पूरी बुक याद नहीं होती है ना। उससे भी मुश्किल क्या है? उससे मुश्किल है रैंडम नंबर्स, संख्याओं को याद करना। संख्याओं को याद करना भी मुश्किल क्यों है? क्योंकि नंबर का मीनिंग लेस, नंबर का मीनिंग नहीं होता। अब आप बोलोगे मीनिंग तो होता है 62 यानी 62, ये सिर्फ लॉजिकल अनुवाद है। मीनिंग किसे कहते हैं? ब्रेन की नजर में किसी इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल ब्रेन तक पढ़ाता है तो लेफ्ट ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन में उसका लॉजिकल मीनिंग आता हो और राइट ब्रेन में पिक्चर पैकअप होता हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं वर्ड बोलता हूँ, वर्ड है अमिताभ बच्चन, क्या बोला मैंने? जैसे ही मैंने बोला आपके ब्रेन में अमिताभ बच्चन के नाम की स्पेलिंग आई पहले या पहले पिक्चर आया बताइए? पिक्चर आया। अब लेफ्ट ब्रेन बता रहा है अमिताभ बच्चन एक एक्टर है, पर राइट ब्रेन के में पिक्चर आ रही है वो किसी के बागबान की आ सकती, किसी के बीबीसी की आ सकती, किसी शोले की आ सकती, राइट। एक और वर्ड बोलता हूँ मैं, प्रायोरिटी, क्या बोला मैंने? प्रायोरिटी, प्राथमिकता, क्या बोला? अब लेफ्ट ब्रेन में तो बता दिया प्राथमिकता का मतलब जो काम पहले करना है, ये लॉजिक हो गया। राइट ब्रेन में पिक्चर आया नहीं, इस वर्ड के अगेंस्ट इस वक्त आपके ब्रेन के राइट पार्ट ने सपोर्ट नहीं किया, पिक्चर बनाया नहीं। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, पिक्चर लेस, मीनिंग लेस, जिसके लिए ब्रेन लॉजिकली मतलब तो बता देता है लेकिन कोई क्रिएटिव इमेज का सपोर्ट नहीं कर पाता है। ऐसे ही अगर मैं वर्ड बोलता हूँ भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बोला चाचा नेहरू नाम भी आया, प्रधानमंत्री थे, पिक्चर भी आ गया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुड, गुलजारी लाल नंदा। अब आपने से अधिकतर बच्चों की बेटी पिक्चर नहीं है, दोनों प्रधानमंत्री है, दोनों का सेम पावर है, दोनों की सेम सिक्योरिटी है, दोनों सेम प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, लेकिन गुलजारी लाल नंदा को आपने हल्का सा, क्योंकि आपके ब्रेन ने इम्पोर्टेंटली कोई इमेज क्रिएट नहीं किया, राइट। ये सर नो, ये नाम डिफिकल्ट लगा हुआ। बस ऐसे ही अगर हम बोलते हैं 16:16 आता है, 15:15 आता है, लेकिन राइट ब्रेन से पिक्चर नहीं आता, 15 नहीं आया ना। अब मैं लाता हूँ पिक्चर देखो, 15 अगस्त, क्या बोला मैंने? बस इतना सा मैंने बोला आपके ब्रेन में पिक्चर बना दिया, तिरंगा झंडा 15 अगस्त जो भी होता है मेरी फूल हो गया, समझ में आ गई बात। इसीलिए लाइफ में जब कभी आप नंबर याद करते हो ना आप कन्फ्यूज हो जाते हो, क्योंकि डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे डिफिकल्ट। जब भी आप इसको मिलते हो नाम पूछते हो, नाम ब्रेन में नोट करते हो, उसका नंबर मोबाइल में नोट करते हो, क्योंकि आपको पता है मोबाइल नंबर याद नहीं रहेगा। कौन से टाइम में आपका अकाउंट है? देखो बोलते हैं टाइम दिख रहा होगा पर बैंक अकाउंट नंबर याद नहीं आ रहा। आप उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है? एक बार कन्फ्यूजन हो जाता। पढ़ाई की बात करें तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन टेबल, एटॉमिक मास नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको आपने बार बार रिवाइज किया और बार बार कन्फ्यूज किया, ये सुनो हिस्ट्री की डेट भी याद नहीं हो पाती। तो ये सारा एक्सपीरियंस इस बात को बताता है कि इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क टू मेमोराइज दिस सेट ऑफ नंबर्स, कि अगर आपको ये सारे नंबर याद करने हो तो आपको कितनी देर लगे, क्या लगता है? कितनी देर लगे? 2 घंटे, 5 घंटे, पता नहीं, कोई कह रहा पता नहीं, कोई इशारा कर रहा है 5 मिनट, 10 घंटे, 1 दिन, आधा दिन, कोई सही आंसर नहीं है, राइट। और मैं कहता हूँ ऐसे याद नहीं करना है कि आपने एक बार रट्टा मार के याद कर लिया, बल्कि ऐसे याद करना है कि आज याद कर लिया जितना टाइम याद कर लो और उसके बाद जिंदगी में कभी दोबारा याद नहीं करना पड़े। उसके लिए क्या करोगे, कितनी देर लगेगी? 1 दिन तो कम से कम लग जाएगा, राइट, नहीं मालूम पड़ेगा। इसका आंसर भी देता है यूनेस्को का एक और रिपोर्ट, यूनेस्को का सेकेंड रिपोर्ट, जो बताता है कि आपको कितनी देर में क्या याद होता है। जब भी आप कुछ पढ़ के याद करते हैं,
पढ़ 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 तो पढ़ के याद करते तो पहली बार में 10% याद हो जाता है, उसके बाद बचे हुए परसेंटेज यानी 90% के लिए आपको रिविजन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लिख के याद करेंगे तो पहली बार में आपको 20% याद होगा। कितना याद होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ने के बजाय लिखने में ब्रेन भी यूज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन भी हुआ और बॉडी भी यूज हुई, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। समझ वाली बात? इसीलिए बचपन से आज तक मम्मी पापा और टीचर्स क्या बोलते हैं, कैसे याद करो? लिख के याद। सही नहीं? अगर आप किसी भी बुक लिख के याद करेंगे तो 10 घंटे ये पढ़ते हैं उसके बाद 5 घंटे में लिख के भी कर सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा। समझ नहीं बात? उससे आगे की बात मैं बताता हूँ और वो है सुन के लिखो। कैसे? सुन के लिखो। सुना, किसी ने बोला, सुना, समझा, लिखा। कितना करोगे तो पहली बार में 50% याद हो जाएगा। कितना? यानी एक चैप्टर आधा याद ही हो जाएगा फर्स्ट टाइम पे। क्यों? क्योंकि कान भी यूज हुआ, ब्रेन भी यूज हुआ, बॉडी भी यूज हुई, कॉन्सेंट्रेटेड मेमोरी, ऑडियो मेमोरी, विजुअल, ये सब एक साथ हुआ तो आपका 50% तक रिटेंशन आ जाता है। जैसे कि मैंने इन नंबरों को सुन के लिखा, आपने बोला, मैंने सुना और लिखा, तो अब ये मुझे 50% तक याद है। पहली बार 50% 100 के बराबर ही है, क्योंकि भारत में जल्दी याद करने का एग्जाम नहीं होता, अच्छी तरह याद करने का एग्जाम होता है। पहली बार में क्या हो सकता है? इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टेस्ट देता हूँ। मेरा टेस्ट, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, अपने आँखें बंद करता हूँ। आँखें बंद करने के बाद आपको इन नंबर में से कुछ नंबर जो मुझे याद आते हैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। आपको तीन काम करना है। पहला, मुझे बीच में नहीं बताना है। दूसरा, मेरी मिस्टेक्स नोट करते जाना है। और तीसरा, लास्ट में मुझे बताएंगे मेरे पहली बार में कितने मार्क्स आए। ओके, ठीक है? तो चलिए आंखें बंद करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मुझे इसमें से क्या क्या याद आ रहा है। आप मेरी मिस्टेक नोट करेंगे और लास्ट में मुझे बताएंगे। यहाँ जो नंबर लिखे हैं ये होने चाहिए, दैट शुड बी, इट इज 18584348 के बाद दैट शुड बी 9956, इट इज 81287928 4, उसके बाद दैट शुड बी it is 6753215846 के बाद यहाँ पर होना चाहिए it is 1172 okay it is 08 के बाद that should be 347022। thank you very much। तो इस एग्जाम में मेरे कितने मार्क्स आए? 100%। जिस एग्जाम में किसी के 100% आते हैं वो कौन से रैंक पे आता है? फर्स्ट रैंक।